नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद दो दिवसीय अमेठी दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के दिछौली गांव में चौपाल लगाते हुए जनता की समस्याएं सुनी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित किया और पीएम आवास के लाभार्थियों को आवास की चाबी भी बांटी। तो जन चौपाल लगाया, जनता की समस्याएं सुनी स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो सबसे पहले लखनऊ पहुंची। लखनऊ में पांच कालिदास मार्ग पर सीएम आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी, उसके बाद वो अमेठी पहुंची। आपको बता दें कि अमेठी से सांसद है स्मृति ईरानी, वहां की जनता का हाल जानने, उनकी समस्याओं को सुनने अमेठी पहुंची हैं, और साथ ही साथ उनके कई कार्यक्रम भी हैं जिसमें वो शिरकत करेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद दो दिवसीय अमेठी दौरे पर पहुंची हैं, जहां उन्होंने जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के दिछौली गांव में चौपाल लगाते हुए जनता की समस्याएं सुनी हैं, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित किया है और पीएम आवास के लाभार्थियों को आवास की चाबी भी बांटी है। अमेठी में कई कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगी। आपको बता दें कि चौपाल के साथ साथ कल भी उनके कई कार्यक्रम है। आज उन्होंने चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है और जनता अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए भी जुटी है। और इस खबर पे हमारे साथ अमेठी से संवाददाता वीरेन तिवारी जुड़ चुके हैं। वीरेन, जब अमेठी पहुंची है स्मृति ईरानी, उन्होंने आज जन चौपाल लगाया, जनता की समस्याएं सुनी, तो कितने लोगों की भीड़ रही और क्या कुछ निर्देश दिए स्मृति ईरानी ने? आपको बिल्कुल बता दूं कि आज अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी अपने के दौरे पर हैं और दिछौली गांव में उन्होंने अपना चौपाल लगाया, और चौपाल लगाने के बाद यहां पे जो यहां पे पीड़ित हैं, जन समस्याएं सुनी, जिसकी विधवा पेंशन की बात की जाए और राशन की बात की जाए, जिसको कम मिलता है या पेंशन नहीं मिलता है, तो उन लोगों की जन समस्याएं सुनी और तुरंत जो उनके साथ अधिकारी थे, जिलाधिकारी और SP अमेठी जिले के, उनको तुरंत निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से इस पे कार्रवाई की जाए। जी, अगर बात करें स्मृति ईरानी के कल के कार्यक्रम की, तो कल क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित हैं? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि अमेठी की चारों विधानसभाओं में उनके जगह जगह चौपाल लगाए गए हैं, और जहां पे अमेठी की जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे और अपने जो अधिकारी हैं जिले के, उनको निर्देशित करेंगे कि इनके तत्काल प्रभाव से इनकी समस्याओं को सुना जाए और उसका निस्तारण किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता वीरेन तिवारी जुड़े थे अमेठी से। कुशीनगर में गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री संजय सिंह गंगवार दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले जनपद के सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली, जिसके बाद मंत्री संजय गंगवार ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और कोतवाली पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनने के साथ ही उनके निस्तारण का भी आदेश दिया। गेहूँ का सेंटर चेक किया, कोविड कमांड सेंटर देखा, जिला अस्पताल देखा, वहाँ पे जो मरीज थे, जो उनके तीमारदार थे, उनसे भी बातचीत की, गौशाला देखी। आज मेरी विभागीय मीटिंग थी, वो विभागीय मीटिंग मैंने करी और ये सारी रिपोर्ट हम लोगों का जो ग्रुप पे बना हुआ है, इसमें हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाली जी है, मैं हूँ, आदरणीय राज्य मंत्री गुलाबो देवी जी हैं, तो हम सब लोग अपनी रिपोर्ट उनके माध्यम से पहुँचाएंगे और जो यहाँ चीजें वो परम पूज्य।
खबर लखनऊ से है, जहां महापौर संयुक्ता भाटिया ने शहादतगंज वार्ड के शिला गार्डन, सोनापुरम, कनक सिटी, सोमैया विहार, केतन विहार समेत कई क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था का हाल जानने के लिए औचक निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान साफ सफाई नहीं पाए जाने के बाद महापौर ने कार्यदायी संस्था FB ट्रेडर्स पर 1,00,000 रुपए जुर्माना लगाने के साथ ही संस्था को निलंबित करने का निर्देश दिया, जबकि महापौर के निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में एक भी सफाई कर्मी नहीं पाया गया। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस माई फ्रेंड कार्यक्रम का आयोजन 2020 बैच की IPS अनुकृति शर्मा ने किया। इस दौरान अनुकृति शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए पुलिस और आम आदमी के बीच जो डर है उसे खत्म करने का काम किया गया। वहीं आपको बता दें कि GD गोयनका स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ADG नवीन अरोड़ा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों को ट्रैफिक नियम, गुड टच बैड टच का संदेश दिया गया। ये जो आज स्कूल GD गोयनका में प्रोग्राम हुआ, वो हमारे थाने सुशांत गोल सिटी ने एक नई पहल की, उसका नाम है पुलिस माई फ्रेंड। तो पुलिस माई फ्रेंड के अंतर्गत ये हमारा तीसरा कार्यक्रम था। इससे पहले हम CMS स्कूल और माँ खाली इंटर कॉलेज में भी कार्यक्रम कर चुके हैं, और ये बस एक शुरुआत है। हमारी कोशिश है कि अगले कुछ दिनों में क्षेत्र के जितने छोटे बड़े सरकारी स्कूलों में तो ज़रूर कर, बच्चों के बीच में जाके उनको ये बताने की कोशिश रहेगी हमारी कि पुलिस आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, पुलिस से आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस आप ही के लिए दिन रात मेहनत करती है आपको सिक्योर और सेफ बनाने के लिए। तो पुलिस खबर आगरा से है, जहां थाना शहादतगंज के कोलिहाई बस्ती में युवती के लिए एक रात काल बनकर आई। जब युवती अपने परिजनों के साथ सो रही थी, तभी युवती के ऊपर छत से तेजाब फेंक दिया गया, जिसमें उसके परिजन भी घायल हो गए। और जैसे ही पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार सख्त रुख अपनाए हुए हैं, जिसके बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामला ये है कि हमसे बंद कर रहा है, ज्यादा ये लोग यहाँ नहीं रहे हैं। हाँ, 20 दिन पहले भी हमसे वारदात कर चुका है, इससे भी हमने कुछ नहीं करके मारे, बदमाश है ये हमको मार देगा। हाँ, अभी मैं रात को मेरी लड़की पे, मेरी वाइफ के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर और मेरे लड़के के ऊपर डाला है तेजाब भर के। घर वाली को मेरा भाई ले जा चुका है। हाँ, मेरा भाई घर से 6,00,000 रुपये कुछ सोना वगैरह सब दुकान उकान सब बर्बाद करके चले गया, इसकी औरत ले गई। कितने दिन पहले? आज से 10 साल पहले जी। अब उसकी रंजित जी हमसे रखता है। असलम जो कि कोलियाई थाना शाहगंज का रहने वाला, अपने छत पर सोया हुआ था। उसकी पत्नी, भाई, बेटा और बेटी भी साथ साथ सोए हुए थे। किसी ने रात्रि में छत से तेजाब फेंका, जिसमें इसकी पत्नी, लड़की, भाई और बेटा तेजाब जलने से जले हैं, घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। असलम के कोई जलने का निशान नहीं है। जो उसका पड़ोसी है कल्लू, उस पर शक व्यक्त किया गया है। कल्लू के मकान की छत पर छींटे भी मिले हैं। इसमें दुश्मनी का पुराना कारण असलम के भाई द्वारा कल्लू की भाई की वाइफ को 7-8 साल पहले भगा कर ले जाना बताया गया है, और कल्लू को हिरासत में लिया गया है। उसके जो परिवार के लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। और खबर औरैया से है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश में थाना फफूंद के माल खाने में जमा अवैध देशी शराब को JCB की मदद से 20 फुट गहरे गड्ढा खोदकर परिसर में दबवा कर नष्ट कर दिया गया, जिसकी कीमत करीब 19,00,000 बताई जा रही है। वहीं इस मामले पर पुलिस ने कहा कि पुलिस दनारा पकड़ी शराब को अधिकारियों के निर्देश पर नष्ट करवा दिया गया है। खबर बिजनौर से है, जहां बीते दिन दहाड़े हुए डॉक्टर के अपहरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले पति पत्नी के विवाद में सालों ने बहनोई का अपहरण कर लिया था, और इसी मामले में ये कार्रवाई की गई है। तो वहीं पुलिस ने अपहरण में शामिल कार को भी बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना सिहोरा में सुहेल कादरी नाम के एक व्यक्ति की फजर नमाज के समय उसके सालों ने पत्नी के विवाद में अपहरण कर दिया था। इस संबंध में थाना सिहोरा पर 364 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अपहरण का
इसके साथ में आज दो अभियुक्तों को जो उसके साले ही हैं गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देवरिया जिला मुख्यालय पर स्थित दीनानाथ पांडे राजकीय महिला डिग्री कॉलेज के पूर्व कार्यवाहक प्राचार्य राजेश भारती को पुलिस ने छात्राओं से अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि भारती के खिलाफ छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सही पाए जाने के बाद ये कार्यवाही की गई है। वही इस मामले पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने कहा कि राजेश भारती के खिलाफ छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है। आगे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दो दिन पूर्व एक वीडियो सामने आया जिसमें आरोपी राजेश भारती अपने सरकारी आवास से एक छात्रा को अपनी कार में बैठाते हुए दिखाई दे रहा है। महिला डिग्री कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य के विरुद्ध अंडर ग्रेजुएट लड़कियों ने ये कंप्लेंट किया कि इनके द्वारा उनसे अश्लील हरकत की जाती है और इस बीच में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की इनके आरोपी के आवास से संदिग्ध परिस्थितियों में बाहर निकलकर कार में बैठती हुई दिखाई दे रही है। इस संबंध में वर्तमान कार्यवाहक प्राचार्य की तरफ से प्राप्त तहरीर के क्रम में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रायबरेली में प्रतिभा खोज के उद्देश्य से फैशन शो का आयोजन किया गया। मिस एंड मिसेज रायबरेली 2022 के नाम से आयोजित इस फैशन शो में करीब 150 लड़कियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस फैशन शो का ग्रैंड फिनाले 29 को होगा, जिससे पहले इसका ऑडिशन राउंड हुआ। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि वो इस कार्यक्रम के जरिए रायबरेली में भी प्रतिभाओं को सामने लाने का काम कर रहे हैं, जबकि प्रतिभागियों का कहना है कि वो ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते थे लेकिन उनके पास पहले अवसर नहीं थे। शुरू हुआ है, हो चुका है और बहुत अच्छा हुआ है। रायबरेली की लड़कियों के महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत उत्साह से हिस्सा लिया है और ये चूंकि प्रथम चरण अभी फिनाले बाकी है और इसको देख के लगता है कि यहाँ की महिलाओं में बहुत जोश है और वो चाहती है कि वो अपने अंदर की प्रतिभा ग्रुप करके जो ये मंच को मिला है उसको दिखाएं। खबर अलीगढ़ से है, जहां एएमयू के अहमदी स्कूल के 10वीं क्लास के नेत्रहीन छात्र ने स्कूल के ही कर्मचारी पर मारने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला यह है कि स्कूल के बच्चों ने किसी कार्यक्रम का प्रदर्शन किया था और धूप में प्रदर्शन कर रहे एक छात्र की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उसे मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसके बाद नेत्रहीन छात्र ने स्कूल के कर्मचारी पर मारने का आरोप लगाया है। तो वहीं एएमयू के एक्टिंग प्रॉक्टर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। ये डिमांड है, मैं तो ये कहूँगा कि जो भी स्टाफ हो, कोई भी हो, उनके मतलब उनका जो है उन पर इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात, हमारी जो जेन्युइन जो डिमांड है कैमरे वगैरह जो हम पर पर्सनल अटैक जो कर रहे हैं, और जो शाकिर साहब जो सुपरवाइजर, इवन उनको नाम लिखना भी नहीं आता, वो सुपरवाइजर बनाते हैं और वो गाली वगैरह बकते हैं, मतलब अब्यूज वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। वो लोग गेट पे इकट्ठा हुए और काफ़ी देर तक वहाँ रहे। हम लोगों ने जब हम प्रोक्टोरियल टीम गई तो तब हम लोगों ने वहाँ जाके इनको कंट्रोल किया और समझाया और इनकी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर साहब से बात कराई। इसके बाद उनमें एक किसी हद तक फैसला हो गया और जो सारी बातें थी, जो उनकी डिमांड्स ऐसी जो रीज़नेबल थी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर साहब ने भी हमारे सामने अश्योरेंस दिया कि उन पर सहानुभूति सिंपैथी से विचार किया जाएगा। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।